स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? ए सुनील छेत्री, बी मनवीर सिंह, सी सहल अब्दुल समद, डी लालिंग माविया रालते। आंसर ए सुनील छेत्री। एक्सप्लेनेशन: भारत के सबसे मशहूर फुटबॉलर सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। 6 जून को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफायर मैच उनका राष्ट्रीय टीम के लिए आखिरी मैच होगा। छेत्री ने अपने खेल की शुरुआत 2002 में मोहन बागान के साथ की थी। छेत्री का अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण 2005 में हुआ और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला गोल किया था। अगला प्रश्न। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, इसका आयोजन कहाँ किया गया? ए पटना, बी गुवाहाटी, सी शिमला, डी भुवनेश्वर। आंसर डी भुवनेश्वर। एक्सप्लेनेशन: जेवलिन स्टार और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने भुवनेश्वर में आयोजित फेडरेशन कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज ने फाइनल इवेंट में 82.27 मीटर दूर भाला फेंकते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा ने आखिरी बार 2021 में इसी इवेंट में हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न। विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ए अंकिता दास, बी मनिका बत्रा, सी सुतीर्था मुखर्जी, डी मोमा दास। आंसर बी मनिका बत्रा। एक्सप्लेनेशन: भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा सऊदी स्मैश में शानदार प्रदर्शन के बाद करियर की सर्वश्रेष्ठ एकल रैंकिंग 24 पर पहुंच गई और विश्व रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी। अगला प्रश्न। 15 मई 2024 को सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ए ली कुआन यू, बी हलीमा याकूब, सी लॉरेंस वॉन, डी ली सीन लून। आंसर सी लॉरेंस वॉन। एक्सप्लेनेशन: सिंगापुर के उपनेता लॉरेंस वॉन ने 15 मई 2024 को देश के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 51 वर्षीय वॉन ने 72 वर्षीय ली हसियन लून का स्थान लिया, जिन्होंने दो दशकों के बाद पद छोड़ दिया। लॉरेंस वॉन 51 साल के हैं और वे भी सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी के ही नेता हैं, जो पिछले 5 दशक से अधिक समय से सिंगापुर का नेतृत्व कर रहे हैं। अगला प्रश्न। इंडिया स्किल्स 2024 इवेंट के विजेताओं के लिए अगला कदम क्या है? ए वेल्यून फ्रांस में विश्व कौशल प्रतियोगिता की तैयारी के लिए शीर्ष उद्योग प्रशिक्षकों के साथ प्रशिक्षण लेंगे। बी उन्हें शीर्ष कंपनियों में तत्काल रोजगार की पेशकश की जाएगी। सी उन्हें मौद्रिक पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे। डी उन्हें विदेश में अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। आंसर ए एक्सप्लेनेशन: भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 15 मई 2024 को नई दिल्ली में शुरू हुई। इसमें 30 राज्यों के 900 से अधिक उम्मीदवार 61 कौशल स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इसमें निर्माण और भवन प्रौद्योगिकी, रचनात्मक कला, फैशन सूचना संचार प्रौद्योगिकी, विनिर्माण व इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, परिवहन व रसद आदि शामिल हैं। विजेता सितंबर में लियोन फ्रांस में विश्व कौशल प्रतियोगिता की तैयारी के लिए शीर्ष उद्योग प्रशिक्षकों के साथ प्रशिक्षण लेंगे। इसमें 70 से अधिक देशों के 1500 प्रतिभागी एक मंच पर अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे।